हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस DIY वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप ओल्ड जीन्स की हेल्प से एक ब्यूटीफुल ऑफ शोल्डर ड्रेस रेडी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं मेजर करके एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर रही हूँ हमारे जीन्स का। सो थाइस के नीचे से हम मार्क कर लेंगे एंड जो ऊपर का हिस्सा है उससे हम स्कर्ट क्रिएट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमारे जीन्स की जो मिडिल की स्टिचिंग्स है उसे हम रिमूव कर लेंगे। ये सिंपली हम हाथ से स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग्स रिमूव कर लिया है। अब उसे एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे एंड बॉटम की ओर से हम आर्किंग करेंगे लेंथ की। हमें जितना लेंथ चाहिए उसे एक इंच लेंथ हम ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ मुझे 16 चाहिए था, तो 17 पे हमने मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे एंड जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका हम स्लीव्स क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हमने जो हमारे टॉप का पार्ट है एक ही पार्ट हमने नीचे प्लेस किया है एंड स्लीव्स हमारी 8 इंचेस की, जो काफ़ी ज़्यादा इनाफ है। एंड जो बॉटम पे ऑलरेडी हेम्ड है उसे हम बॉटम पे रखेंगे एंड स्लीव के बाजू में प्लेस कर लेंगे। प्लेस करते हुए हम दोनों की तरफ 4-4 इंच मार्क कर लेंगे एंड स्लीव को एंड टॉप को दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। हमें सिर्फ मार्क्ड पॉइंट तक ही जोड़ना होगा, जैसे कि 4 इंच तक ही हमें इसे जोड़ना होगा। सो यहाँ हमने सारे पार्ट्स को अटैच कर लिए हैं। अब अगेन जो हमारे टॉप का सेकेंड हिस्सा है उसे भी हम हमारी स्लीव्स के बाजू में प्लेस कर लेंगे एंड 4 इंचेस तक मार्क कर लेंगे। हमें वहाँ पे भी 4 इंचेस तक ही सिल लेना होगा। सो यहाँ हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे पार्ट्स को जिस तरीके के दिखेंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। जो बड़े हिस्से हैं दोनों हमारे जीन्स के उसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लेंगे एंड देन अगेन जो साइड का हिस्सा है उसे भी हम जोड़ लेंगे। इसे भी हमें इससे 4 इंचेस तक ही अटैच कर लेना होगा। सो यहाँ मैं 4 इंचेस पे मार्क करके इसे भी अटैच कर लूँगी एंड अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम साइड की फिटिंग्स कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को जोड़ लेंगे एंड साइड्स को भी जोड़ लेंगे। यहाँ हमने दोनों को स्टिच कर लिया है। अब हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप कर लेने के बाद ऊपर के हिस्से में हम 1 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिल देंगे। हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेंगे ताकि हम इलास्टिक पार्ट्स कर सकें। सो यहाँ हमने सिल लिया है। अब हम इसमें हमारी इलास्टिक ऐड कर लेंगे। इलास्टिक का मेजरमेंट आपके शोल्डर का मेजरमेंट होगा, तो आप स्ट्रेच करके उसे पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप कट कर लीजिए। एंड यहाँ मैं इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। इलास्टिक ऐड कर लेने के बाद दोनों इलास्टिक एंड्स को हम जोड़ लेंगे। सो ये हमने जोड़ लिया है, है ना। हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार है। अब बॉटम एजेस पर मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे फोल्ड कर लूँगी। आप नीडल एंड थ्रेड या स्विंग मशीन की हेल्प भी ले सकते हैं। सो गाइज, हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान था। आप इसमें कोई भी लेस की डिटेलिंग भी कर सकते हैं इसे और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। सो रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को रिलेटेड, आप कॉमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।